नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। रेल टिकट पर लिखा लागत किराए का अंतर। भारतीय रेलवे के इतिहास में अब सरकार पहली बार यात्रियों को उनके टिकटों पर ये लिखकर बता रही है कि वे लागत मूल्य से करीब आधे खर्च पर यात्रा कर रहे हैं। अगर आपका रेल टिकट 57 रुपए का है तो आपकी यात्रा का वास्तविक खर्च 100 रुपए है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब टिकटों पर यात्रा का लागत मूल्य और किराया लिख कर ये बताने की कोशिश की गई हो। रेलवे ने अपने सभी आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटों पर एक पंक्ति लिखना शुरू की है कि भारतीय रेलवे यात्रियों द्वारा अदा किए गए किराए से औसतन 57% लागत ही निकाल पाती है। ये पंक्ति पिछले सप्ताह से सभी प्रकार के टिकटों में अंकित की जा रही है। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने बताया कि इस कदम के माध्यम से रेलवे यात्रियों को इस बारे में जागरूक करना चाहती है कि किराए के अनुपात में उन्हें अधिकतम सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा भारत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के मंत्री उस्मानी साहब के जरिए अफगानिस्तान के लोगों को बताना चाहेंगे कि भारत उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। हम आपकी आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वराज जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों और कामगारों का सम्मान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी, जिन्होंने हेरात प्रांत में भारत अफगान मैत्री बांध का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और अफगानिस्तान के ऊर्जा एवं जल मंत्री इंजीनियर अली अहमद उस्मानी भी मौजूद थे। एनएसजी पर भारत को अमेरिका के बाद फ्रांस का भी समर्थन। एनएसजी ग्रुप की बैठक से पहले एनएसजी की सदस्यता के भारत के प्रयासों को अमेरिका के बाद फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिल गया। फ्रांस ने एक बयान जारी कर कहा कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सहभागिता संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगी, चाहे वे परमाणविक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, बैलिस्टिक हो या परंपरागत सामग्री और प्रौद्योगिकी हो। विदेश सचिव एस जयशंकर भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बटे 48 देशों के समूह में समर्थन जुटाने के लिए सोल पहुंच गए हैं। चीन ये कहकर भारत का विरोध कर रहा है कि नई दिल्ली ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। हालांकि वो कह रहा है कि यदि एनएसजी से भारत को छूट मिलती है तो पाकिस्तान को भी समूह के सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के मुद्दे पर चीन ने कहा कि ये विषय पूर्ण सत्र के एजेंडे में नहीं है।